अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप? तो देखने जा रहे हैं नदीम खान का भाई एक्सक्लूसिव इंटरव्यू, तो करते वीडियो स्टार्ट और देखते हैं मैं देश के गद्दारों को सबक सिखाने के लिए अपने जुमले बोलता हूँ। उनकी आंखें खुलने का काम करो, धमकी उनकी का तो मैं तो प्रोटेक्शन प्रोटेक्शन के लिए भीख नहीं मांगने वाला। और अभी भी ये मेरे को नहीं लगता है लॉरेंस ने किया है। छोटे, जिस समंदर में तू तैर रहा है ना, वो समंदर के शार्क रह चुके हैं। तेरे को दहशत जमाने के लिए तूने बॉलीवुड में एंट्री मारी, सलमान पे दबाव बनाया, बदले में बाबा सिद्दीकी की जान लिया। बाबा सिद्दीकी साहब से हमारी बहुत पुरानी दोस्ती है। लॉरेंस ने तो बहुत बड़ी गलती की है जो बाबा सिद्दीकी के ऊपर हरकत करके। बराबर है, इंडियन पिनल कोड को बंद करो, लॉरेंस बिश्नोई जैसे को खड़ा करो। क्या बड़ा बन के क्या बनेगा? डॉक्टर है देखो, लेकिन तेरे ऐसे हरकत नहीं किया था, धर्म के नाम पर है ना लोगों को नहीं मारा था। सलमान तो इसके लिए सिक्योरिटी में, बॉलीवुड में तुझे किंग खांग बोलते हैं। अच्छे अच्छे छोटे मोटे हीरो का तो फ्यूचर तू दबा देता है, मुंबई के सोए शेरों को जगा दी। क्वेश्चन, आपका पिछला इंटरव्यू हारे होने के बाद मैंने सुना आपको कई लोगों से धमकी मिली, तो क्या मेरी कैसी मिली? अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद जय महाराष्ट्र। मैं न्यूज वायरल होने के लिए नहीं देता हूँ, मैं देश के गद्दारों को सबक सिखाने के लिए अपने जुमले बोलता हूँ, समझिए। और जो अंधे रहते हैं उनकी आंखें खुलने का काम कर दो। और दूसरी बात, अगर मेरी आवाज से अगर तुम्हारे अंदर का मरा हुआ इंसान जागता है तो एक नहीं 10 बार बोलूंगा, ठीक है? और रहा सवाल धमकी उमकी का, तो मैं तो प्रोटेक्शन प्रोटेक्शन के लिए भीख नहीं मांगने वाला। कैसा है ना, मेरे को जो देने का था उन लोगों ने दिया और मेरे को जो लेने का था मैंने लिया। तो मैं एक लॉरेंस तेरे को एक चीज बोलूंगा, छोटे, जिस समंदर में तू तैर रहा है ना, वो समंदर के शार्क रह चुके हम। मुंबई नगर को, बॉलीवुड को, तेरे को दहशत जमाने के लिए तूने बॉलीवुड में एंट्री मारी, सलमान खान पे मारी, उस पे दहशत दिया, तेरे समाज का नाजायज फायदा उठाया, उसको कानून ने सजा दिया था, लेकिन उसके बाद में भी तू तेरी दहशत दिखाने के लिए सलमान पे दबाव बनाया, बदले में बाबा सिद्दीकी की जान लिया। तू इतना बड़ा हो गया रे, मुंबई में अंडरवर्ल्ड वापस चालू करवा रहे किसकी जान पे इतना उड़ रहे? और क्या, शाहरुख खान जो इतने क्लोज थे बाबा सिद्दीकी के, लेकिन वो एक भी बार उनके हॉस्पिटल में भी नहीं है और उनके डेथ में भी नहीं है। भाई वो उनका पर्सनल मैटर है, अपन थोड़ी ना उस पर बोल सकते। उनको आना चाहिए था, एज इट इज एक बाबा सिद्दीकी बैंड्रा का एक बड़ा जाना माना हस्ती, ठीक है ना? और अव्वल तो मैं आपको एक चीज बताता हूँ, बाबा सिद्दीकी साहब से हमारी बहुत पुरानी दोस्ती है, मैं अब साफ बताता हूँ, लेकिन मैं भी जनाजे में नहीं गया। हो सकता है प्रोटोकॉल, और हो सकता है मैं इसके लिए नहीं गया कि प्रोटोकॉल लोगों के सामने बहुत से चेहरे, और बाबा सिद्दीकी को जो लोग नॉर्मल खाली विधायक समझते थे ना, अब सुन लो, फ्लोरेंस ने तो बहुत बड़ी गलती की है जो बाबा सिद्दीकी के ऊपर हरकत करके। उनको जन्नत मिल गई इंशाल्लाह ताला। लॉरेंस, तूने ना मुंबई के सोए हुए शेरों को जगा दिया। बस लॉरेंस बिश्नोई के लिए काले हिरन भगवान जैसे, तो इंसान को मारना कहाँ तक सही है? देखिए, आप गाय को पूजो, अब हिरन को पूजो, बात समझ रहे? आप हिरन को पूज सकते हैं, आप गाय को पूज सकते हैं, आपकी आस्था आपके साथ, लेकिन अगर आप सजा देने के लिए खुद सक्षम हो तो कानून को ताला लगाओ, कोर्ट को ताला लगाओ। बराबर है, इंडियन पिनल कोड को बंद करो, लॉरेंस बिश्नोई जैसे को खड़ा चलेगा, ये देश में हाहाकार होगा, सिर्फ कत्ले आम होगा। आपको क्या लगता है लॉरेंस बिश्नोई को किसका सपोर्ट है जो इतना ओपनली वो ये सब चीज कर रहे हैं? किसी का सपोर्ट नहीं है यार, एक स्टूडेंट लड़का, 4 बचकाने लड़कों के हाथ में वेपन दिया। मैं बोलता हूँ देखो, ये छोटे बच्चे कॉलेज जाता है इधर, बेटा स्कूल जाता है इधर, इधर क्या बड़ा बन के क्या बनेगा? डॉक्टर है देखो, डॉक्टर ये धारावी जैसे झोपड़पट्टी में, यहाँ बच्चों की सोच डॉक्टर बनने की। लॉरेंस बिश्नोई यंगस्टर लड़के जो 20 साल के 25-50 हजार दे के, उनके हाथ में एक पिस्टल दे के गैंगस्टर बना रहा है, खुद की गैंग चला रहा है। और अभी भी ये मेरे को नहीं लगता है लॉरेंस ने किया है, ये जिसने भी किया है ना, अगर इंटरोगेशन हुई सामने आएगा। और अभी भी लॉरेंस बोलता हूँ, पकड़ के बिल लेके बैठना बनकर गाड़ी काट रहा है ना, दिल्ली से लेके इंडिया तक के गाड़ी काट रहा है ना, और भी मुंबई में बहुत सारे जो गाड़ी काटे ले। तेरी जितनी उम्र है ना, उतनी उम्र में हमने आग लगा दिया था, लेकिन तेरे ऐसे हरकत नहीं किया था, धर्म के नाम पर ना लोगों को नहीं मारा था। याद रखना, मुंबई का हर वो आदमी आदमी मारा है, आदमी मारेला है, लेकिन है ना, तेरी तरह देशद्रोही वाला काम नहीं किया, बनकर। हाँ,
क्या लगता है इसका सलूशन क्या है? सलमान खान कब तक इतनी सिक्योरिटी में रहेंगे? वो ठस्सी है इसके लिए सिक्योरिटी में, सलमान ठस्सी है इसके लिए सिक्योरिटी में। सही बात है ना, इतना पावर, इतना नाम, इतना पैसा अपने पास होता ना, अभी तक लॉरेंस है ना ऊपर रहता था। साफ बोलता हूँ, सलमान को भी अक्कल आनी चाहिए, बॉलीवुड में तुझे किंग खान बोलते हैं। अच्छे अच्छे छोटे मोटे हीरो का तो फ्यूचर तू दबा देता है, इसका फ्यूचर क्यों नहीं दबाया? अपना कोई दोस्त ऐसा जाता ना बॉस, तो सामने वाला अभी तक कब्रिस्तान में या शमशान घाट में नजर आता था। जय हिंद जय महाराज। नहीं गाइज, तो बिल्कुल यार, एक नदीम जैसे बोल रहा है ना, मुझे लगता है कि एक बस काफ़ी थोड़े दिन हैं, जैसे यार वो एक खड़े होकर धमकी दे रहा है या सलमान खान के बारे में बोल रहा है कि तुम्हारे पास इतना पैसा है। पैसे वैसे से कुछ भी नहीं होता, पैसा सभी के पास होता है, लेकिन ये कि जब एक गलत जगह इंसान पंगा लेता है ना, तब पता नहीं चलता कि पैसा सब कहाँ चला जाता है। अब अगर पैसे की बात की जाए तो बाबा सदीकी के पास कौन सा कम पैसा था, या इतने बड़े वो पॉलिटिशियन थे, हर जगह उनके उठना बैठना था, एक बॉलीवुड स्टार, उनके इतने ज़्यादा दोस्त थे, तो पैसा था तो सब था, उनके पास आते थे, हर किसी के पास पैसा होता है। लेकिन ये कि एक जैसे नदीम साहब बोल रहे हैं ना कि एक मैं शार्क रह चुका हूँ, पता नहीं अब क्या हो चुका है इनको, अभी भी तो जिंदा ही हैं, अभी भी तो सब कुछ आपके पास ही है, अगर उस समुंदर की आप शार्क हैं तो कुछ करके दिखाएं तो लोगों को पता चले आपने कौन सा वो छोड़ दिया या अब वो चीज़ें कौन सा हट गई हैं। लेकिन बंदे बोल काफ़ी एक नहीं, वाकई एक भाई एक समंदर की शार्क है, लेकिन दांत टूटे हुए हमला नहीं कर सकती शार्क। लेकिन फिर भी ना इसका यार एक बहुत एक वायरल हो रहा था ये एक इंटरव्यू, क्योंकि एक सलमान का और लॉरेंस बिश्नोई, एक खास मीडिया के मीडिया को देखा जाए ना तो भाई एक बहुत एक कंपैरिजन आप हो रहे हैं, एक मतलब कि एक हर न्यूज़ हर टीवी पर इंटरव्यू हर बंदा एक इस पर बात कर रहा है। तो एक सलमान खान ने भाई तब की एक स्कूटी एक हैवी कर दी है, पहले उसने बहुत हैवी कर दी थी, लेकिन जो एक एक बाबा सदीक का उनको एक झटका लगा ना, ये काफ़ी ना एक उनको और एक डराएगा। लेकिन भाई एक लॉरेंस बिश्नोई एक छोटा मोटा गैंगस्टर नहीं है, उसकी एक कनाडा तक पहुंचा है, और पन्नू तो उस टाइम का निकले ही नहीं है, पहले होता था पन्नू धमकी वगैरह दे देता था, लेकिन पन्नू अब
पिन्नू गैब हो गया। लेकिन ये कि भाई हमने तो इस बंदे को पहली दफा, आपने देखा कभी इसको पहले? नहीं नहीं तो नहीं देखा दे लो कि यार एक फर्स्ट टाइम सामने आया है, लेकिन अभी भी दे लो कि खुले आम वो एक उधर घूम रहे हैं ये, और इस तरह एक मतलब जिस तरह एक फिल्मों में नहीं ये नजर आते थे एक संजय दत्त इस तरह की एक बातें भी वो वैसे करते थे, और मारे मोशी भाई भी इस तरह का एक बंदा एक दफा हाँ वो ढूंढ रहे थे कि कोई ऐसा बंदा मिले जो इस तरह बोलता भी हो, मतलब ये एक नेचुरली है इनके अंदर ये चीज, लेकिन देख लो कि भाई किस तरह एक लेवल है बंदे का और कैसे कैसे लफ्ज बोल रहा है। होना तो नहीं चाहिए इसके साथ भी ऐसा, लेकिन मे भी ये एक एक शरीफ हो, केड़ा पता कौन सा पता चलता है, हो सकता है शरीफ भी हो, गाड़ी वगैरह ऐसे रखी हुई तो है, लेकिन ये तो संगल वगैरह डाले हुए हैं ना गले के अंदर, बंदे भाई एक पीछे स्पोर्ट होती है तो इतना बोलता है, एक नॉर्मल तो नहीं ना बंदा बोल सकता, लेकिन यार उसकी एक लैंग्वेज बहुत अच्छी थी क्योंकि हम फिल्मों में सुनते थे सेम टू सेम भाई वो ही है, मुझे लैंग्वेज ठीक है लेकिन बोल नहीं सही रहा था वो, नहीं सही बोल रहा था यार, सही बोल रहा था, जैसे एक मोशी भाई ढूंढ रहे थे ना वो बंदे, यार बात जो टॉपिक पे बात कर रहा उसकी बात कर रहे हैं, वो नहीं सही बोल रहा था, बाकी सही बोलना था उसको बोलना आता है वो कौन सा भी थतला, मुझे लगा वैसे वो जो बोलते हैं बराबर है वैसे, वो अच्छी थी फीलिंग है यार भाई में बड़ा मजा आता रहने का। अच्छा वो बेचारा सदीकी भी रहता था मजे बिल्कुल तो, लेकिन ठीक है यार इस तरह के अनासर जिधर भी है ना, पहले यूपी से खत्म किए उन्होंने, आप इधर को थोड़े बहुत होंगे उनको भी जैसे कैसे भी है, बस एक एक चल रहा सीन है, अमन होना चाहिए यार मुल्क के अंदर या एक सिटी के अंदर बस। बिल्कुल तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी, अगर पसंद आए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, मिलते नहीं वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।